प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर खुटार में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के नगर संघ संचालक अरविंद सक्सेना, विश्व हिंदू परिषद के आरेंद्र दीक्षित, संतोष वाजपेयी, सुष्मिता मिश्रा के नेतृत्व में आतंक विरोधी एक बड़ा जुलूस निकाला गया और साथ ही आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। वहीं आपको बता दें, इसी के साथ वीडियो को एक ज्ञापन भी दिया गया है। आपको बताते चले कि आतंकवाद के विरोध में नारे लगाते हुए, पैदल मार्च करते हुए सभी लोग चौराहा तिराहा पार करते हुए उनके द्वारा आक्रोश में नारेबाजी भी की गई। उनके द्वारा कहा गया कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवाद बंद करो, आतंकियों को सबक सिखाओ, हिंदू हत्याओं का न्याय करो, न्याय चाहिए आदि नारेबाजी करते हुए ब्लॉक में पहुंचे। ब्लॉक के सामने पहुंचकर आतंक का जो पुतला साथ लाए थे उसको भी सभी लोगों ने वहीं पर जलाया। इसी के पश्चात एडीओ ब्लॉक खुटार को एक ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि यह ज्ञापन प्रधानमंत्री तक आपको पहुंचाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री को संदेश दिया कि राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों को भड़का कर हिंदुओं को दिनों दिन कत्ल कर रहा है, अतः हिंदुओं को उचित न्याय मिले इसलिए ज्ञापन दिया गया। अखंड भारत न्यूज के लिए नमस्कार। आज मैं गुल्लानाथ मंदिर जनपद शाहजहांपुर का, ये बहुत अच्छा मंदिर है, यहाँ पर सभी लोग आप देख रहे होंगे आक्रोशित भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है। कारण क्या है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। आक्रोशित हिंदू जन है, बहुत ज्यादा आक्रोशित है, ऐसा इस देश में घटित हो गया है। कारण क्या है वो आपको विश्व हिंदू परिषद के हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष अरिंदर दीक्षित जी बताएंगे। बताइए आज किस लिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बताइए आपका नाम। मैं अरिंदर दीक्षित, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद ब्लॉक खुटार जिला शाहजहांपुर यूपी। आपके पीछे भीड़ बड़ी खड़ी हुई है, एक किस कारण से आज सभी लोग एकत्रित हैं, क्या कारण है? ऐसा है जब से धारा 370 और 35 से हटी है, आतंकवादियों के हौसले पस्त हो गए हैं। अब उन्होंने पीठ पीछे से बार करने के लिए वो वहाँ पे रह रहे हिंदू और अल्पसंख्यक जो वहाँ पे हैं, हिंदू सरदार लोग जो हैं उनके, उनको जो धोखे से गोली मार के फिर 90 के दशक वाली योजनाएं घटित कर रहे हैं, जो बहुत निंदनीय है, बहुत बहुत घृणित है। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन कर रहा हूँ, इस ज्ञापन के द्वारा, ज्ञापन वीडियो को दिए जाएंगे उनके नाम से, उनके द्वारा मैं ज्ञापन कर रहा हूँ कि इन आतंकवादियों के खिलाफ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कड़ी से कड़ी। हमारे 370 धारा हटी, उसके बाद जो ये फिर पुनरावृत्ति उसी आधार पे हो रही है, हिंदुओं की हत्या हो रही है, पूछ के आईडी उनकी हत्या की जा रही है, इस विरोध में प्रधानमंत्री अनुरोध है उनसे कि आतंकवादियों पे खिलाफ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से उस पर ज्यादा दबाव बना के उसे खत्म किया जाए। जो भी कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे परेशान किया गया है उनके लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था करे सरकार, हमारी ऐसी मांग है। अरविंद सक्सेना की रिपोर्ट, शाहजहांपुर।